आज की वीडियो में हम हैक करेंगे गैरना फ्री फायर को। दोस्तों मेरा नाम है चुटिया, अच्छो अच्छो की खड़ी करता हूँ मैं खटिया। Hey guys, आज की वीडियो में मैं आपको गन्स के बारे में बताने वाला हूँ। हाय गाइस, दिस इज आदर्श और आप देख रहे हैं आदर्श टेक। आज की वीडियो में कुछ गन्स के बारे में बताऊंगा, उनके बारे में एक्सप्लेन करूंगा और उन कुछ कॉम्बिनेशन बताऊंगा फॉर बिगिनर्स। सो विदाउट बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस, जैसे आप देख रहे हैं फॉर बिगिनर्स मैं बोलूंगा कि M4A1 वो यूज़ करें। M4A1 एक एयर राइफल है, ऑटोमेटिक राइफल या फिर एजॉल्ट राइफल उसे बोल सकते हैं। M4A1, स्कार, फार्मर्स, M60, ये तीन चार टाइप की गन है जो बिगिनर्स यूज़ कर सकते हैं। साथ में इसके साथ SMG भी ले सकते हैं जो कि साइड गन होगी। SMG में जो कि है शॉर्ट मशीन गन या फिर स्मॉल मशीन गन या फिर शॉर्ट रेंज मशीन गन जिसे हम बोलते हैं, वो उसमें MP40 है, P90 है और MP5 है। ये गन आप यूज़ कर सकते हैं एज अ साइड गन विथ AR। और AR में जैसे आपका ग्रोजा हो गया, M4A1 हो गया एंड आपका AK-47 हो गया। आपका M4A1 एक बहुत ही ऑलराउंडर गन है, विदाउट इसके अटैचमेंट्स के भी ये बहुत ही अच्छी काम करती है और ये बिगिनर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। और रही बात SMGs में, सो SMGs में P90 एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन मैं जो ज़्यादा प्रीफर करता हूँ वो MP40 है, क्योंकि MP40 एक एज़ कम्पेयर टू अदर्स MP40 की रेट ऑफ फायर बहुत ज़्यादा होती है और इसमें अटैचमेंट्स बिल्कुल भी नहीं होती है। सो ये गन एज़ कम्पेयर टू अदर SMGs ये मुझे ज़्यादा फेवरेट लगती है। आप चाहे तो UMP भी यूज़ कर सकते हैं या फिर P90 भी यूज़ कर सकते हैं या फिर MP5 भी यूज़ कर सकते हैं। सो गाइस, अगर आप AR के साथ करेंगे और आपने ये कॉम्बिनेशन अच्छे से सेटअप कर लिया हो, सो आप एक प्रो बन सकते हैं। सो गाइस, एज अ साइड गन विथ AR के साथ आप कॉम्बिनेशन में SPAS-12 जो कि एक शॉर्ट गन है वो ले सकते हैं। SPAS-12 शॉर्ट रेंज गन है, लेकिन इसका डैमेज एज कम्पेयर टू अदर्स बहुत ही ज़्यादा है और ये M1 M1014 से ज़्यादा बेटर है। और मिलीज में आपको बैट मिलती है, ग्रेनेड्स मिलती है, मिली अटैक्स में आपको पैन्स मिलते हैं और पैरंग मिलता है। पैन मैं ज़्यादा प्रीफर इसलिए करता हूँ क्योंकि जो पैन है, एक तो आप उसे डैमेज तो दे ही सकते हैं, फेस से ज़्यादा डैमेज होता है उससे। आपको कोई पीछे से मारता है तो आपको एक टाइप का ऑफ शील्ड या प्रोटेक्शन देता है। और अगर ये जो मैंने गन्स के बारे में बताया, अब आप गन में आते हैं, पिस्टल्स में आते हैं। पिस्टल्स में आपको M1873 मिलती है, ये एक शॉर्ट रेंज है। अगर आपने इसको चलाना अच्छे से सीख लिया तो बेटर है, वरना आपके साथ मजाक कर रहा था। सो गाइस, स्नाइपर्स में आपको कार 98 देखने को मिलती है और AWM मिलती है। इन दोनों की डैमेज इक्वली है एज़ कम्पेयर टू अदर्स, लेकिन मैं AWM ज़्यादा प्रीफर इसलिए करता हूँ क्योंकि AWM का जो रीलोड एज़ कम्पेयर टू कार 98 के ज़्यादा ही फास्ट है। अगर आप एक्सपीरियंस है, आपने खेल रखा है ये गेम और आपने AWM यूज़ किया है, और बेसिकली आपको AWM सिर्फ एयर ड्रॉप्स में मिलती है ज़्यादातर। और ये एक लाइट मशीन गन है जिसे हम LMG बोलते हैं। ये M249 है, ये शॉर्ट रेंज गन है एक टाइप की। सो ये ज़्यादा मुश्किल ये मिलती है, मुश्किल से मिलती है आपको ये गन, उतनी इजीली नहीं मिलती है। सो जो कार 98 के है उससे ज़्यादा प्रीफर मैं AWM को ही दूंगा क्योंकि AWM एक एज़ कम्पेयर टू कार 98 ज़्यादा अच्छी गन है। और आप जैसे शॉर्ट गन्स में SPAS-12 M1014 देख सकते हैं। और अब हम आ गए लॉन्चर्स में, जो कि लॉन्चर्स में M79 आपको मिल जाएगी हर एक जगह। आप मतलब प्रो प्लेयर्स है या फिर अगर आप खेलते आ चुके हैं गेम और आप इसमें ज़्यादा हैंडी हो चुके हैं, तो आप रियलाइज़ करेंगे कि अगर आप इससे पूरे एक ग्रुप को या पूरे एक स्क्वाड को एक बार में उड़ा सकते हैं या फिर खुद ही मर जाएंगे। और रही बात MGL-140 की, तो आपको ये सिर्फ एयर ड्रॉप्स में ही मिलेगी, आपको ये ईजिली नहीं मिलता है। इससे कुछ भी अटैचमेंट्स नहीं, और M79 का तो बिल्कुल भी अटैचमेंट्स है ही नहीं। सो गाइस, जैसे मैंने आपको बोला, जैसे प्रो बंदे हैं वो
एआर में एसकेएस ले सकते हैं जो कि, या फिर AK-47 यूज़ कर सकते हैं और ग्रोजा यूज़ कर सकते हैं जो प्रो प्लेयर्स है या फिर जिनको खेलते हुए एक दो महीना हो चुका है वो एसकेएस यूज़ करे या फिर ग्रोजा यूज़ करे तो वो बेटर ऑप्शन रहेगा। और एसकेएस में अगर आपके पास लेवल 3 की सारे अटैचमेंट्स है सो आप ज़्यादा किल्स कर सकते हैं। और रही बात AK-47 की, तो AK-47 एक बहुत ही गन बहुत अच्छी है बट आपको चलाने में बहुत ही दिक्कत होगा क्योंकि वो जो गन है वो उसको ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए होता है चलाने के लिए, आपका हाथ बैठा होना चाहिए वरना आप नहीं चला पाएंगे वो गन। उस एक्सपीरियंस बेसिकली आपको एक्सपीरियंस चाहिए वो गन चलाने के लिए। रही बात प्रोस के, तो आप ड्रैगन अब यूज़ कर सकते हैं जो कि एक एयर राइफल ही है, एक टाइप ऑफ सेमी सेमी स्नाइपर गन ही है। और SMGs में आपको VSS मिलती है जिसमें प्री इंस्टॉल्ड 4x स्कोप आता है और MP5 भी एक अच्छा बेटर ऑप्शन है बट मैं बेसिकली पर्सनली MP40 यूज़ करता हूँ। और आपको AR राइफल्स में MP60 देखने को मिल जाती है, MP60 में 60 बुलेट्स मिलेंगे आपको। और जो एक नई राइफल आई है आपका वो, और आप ड्रैगन में देख रहे हैं आपको पहले से ही प्री इंस्टॉल्ड 4x मिलता है और M4A1 जैसे आप देख रहे हैं M4A1s की कुछ 3 स्किन्स मिलती है आपको, AK-47 की भी 3 स्किन मिल जाएगी आपको स्किन्स सॉरी। और रही बात जैसे इधर आप देख रहे हैं इसका डैमेज तो ज़्यादा है बट आपको एक्सपीरियंस होना पड़ेगा, स्किल्स होनी पड़ेंगी AK-47 चलाने के लिए। और आपके पास जितने भी इसके साथ अटैचमेंट्स आती है वो सब लेवल 3 की होनी चाहिए, अदरवाइज आप ग्रोजा चूज़ कर सकते हैं। बेसिकली ग्रोजा सिर्फ आपको एयर ड्रॉप्स में ही मिलेगी, बहुत ही रेयर गन है, मिलना मुश्किल है इसका। सो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ऑटो एम की ट्यूटोरियल जाननी है या फिर आपको बेस्ट कंट्रोल सेटअप देखना है तो उस वीडियो के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। सो प्लीज़ उस लिंक को खोल के देखिए। और गाइस प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि आपका कौन सा फेवरेट कॉम्बिनेशन है या फिर अगर मैंने कुछ मिस आउट किया है तो बताएं। और मुझे कुछ आइडियाज़ दे नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर होनी चाहिए। और मैं एम रखता हूँ कि इस वीडियो पे 500 प्लस लाइक्स मिले, मैं विश्वास करता हूँ कि आप पूरा कर देंगे। और गाइस एक और चीज़ है कि अगर मेरे सब्सक्राइबर्स 1000 पूरे हो जाते हैं इस मंथ तक सो मैं एक गिव अवे रखूँगा या फिर एक बंडल गिव अवे रखूँगा या फिर कुछ डायमंड्स गिव अवे रखूँगा। सो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और गाइस तब तक के लिए गुड बाय।